नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त है प्रयागराज से। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज। धीरेन्द्र शास्त्री ने त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया। सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात भी करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बड़ी खबर ये इस वक्त प्रयागराज से हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। हालांकि इसके बाद अब सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर है इस वक्त और तस्वीर भी आपको ये दिखा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया और अब इसके बाद सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया सतुआ बाबा के शिविर में जाकर। अब मुलाकात का भी कार्यक्रम है आगे धीरेन्द्र शास्त्री का। इस वक्त हमारे सहयोगी गुफरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। गुफरान का रुख कर लेते हैं सीधा। गुफरान, तस्वीरें हम कुछ देर पहले की दर्शकों को दिखा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया, अभी जो अगला कार्यक्रम है सतुआ बाबा के शिविर में जाने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा 12 बजे का वक्त है जब दरबार भी लगने वाला है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी है वहां पर? देखिए बिल्कुल, हम इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम स्थल है संगम के शिविर में पहुंचे हैं। वहां पर तमाम साधु संत जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं की कोशिश करेंगे कि बड़ी और सभी को इंतजार के ये हजारों की संख्या में जो ठीक है। मैं वापस गुफरान आपका रुक करूंगी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। ये देखिए इस वक्त बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात करने का कार्यक्रम है, दरबार भी लगने वाला है धीरेन्द्र शास्त्री का। और अभी इस वक्त अपडेट ये है कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अब सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम स्थल से तस्वीर भी आपको अभी कुछ देर बाद हम दिखाने वाले हैं जहां पर दरबार लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का। दरबार को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अभी इस वक्त अपडेट ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया है और अभी सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। गुफरान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, आप अपनी बात पूरी करें, तस्वीरें अगर दिखा पाए, चूंकि कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, अभी क्या अपडेट वहां से जरा बताइए गुफरान। यहां पर पहुंचेंगे तो देखिए तस्वीरें आपको कुछ और दिखाएंगे अभी, लेकिन इससे पहले अभी ये तस्वीरें आप देखिए जरा। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया धीरेन्द्र शास्त्री ने और अब सतुआ बाबा के शिविर में जाकर मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। ये देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर है जब त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्नान किया, उस वक्त की तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की।
ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, स्नान के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही उसके बाद यहाँ से निकल चुके हैं और अब जो अगला उनका कार्यक्रम है सतवा बाबा के शिविर में जाकर वहाँ मुलाकात करने का कार्यक्रम है। अरे तुम कहाँ हो यार? तो संगम नगरी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सतवा बाबा के शिविर में जाकर अब मुलाकात का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। प्रयागराज पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री और सबसे पहले त्रिवेणी संगम तट पर स्नान किया, उस दौरान की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मोहम्मद गुफरान एक बार फिर से प्रयागराज से जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। गुफरान, अभी क्या अपडेट है धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों को लेकर? ठीक है गुफरान, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने और अब से कुछ देर बाद दरबार भी लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री।